वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंधी रेसिपी दाल पकवान, जो हम नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम को हल्की फुल्की भूख हो तब भी हम बना के खा सकते हैं। और ये बहुत ही कम सामग्री में बन जाती है। सिर्फ चना दाल लेनी है, मैदा लेना है और चटनी और प्याज। तो शुरू करते हैं दाल पकवान बनाना। तो सबसे पहले हम दाल के लिए चना दाल भिगो देंगे। तो ये मैंने एक कटोरी करीब 100 ग्राम जितनी चना दाल ली है। इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो के फिर हम इसे 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी हमें इस तरह से ऊपर तक रखना है और ये मैंने भिगोने के लिए दाल रख दी है। तो जब तक हमारी दाल भिगती है तब तक हम पकवान के लिए ये आटा तैयार कर ले है। तो ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। मोयन के लिए हमें तेल चाहिए और तलने के लिए तेल चाहिए। आटा गूंदने के लिए पानी, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन लिए है और 1 टीस्पून जितना मैंने नमक लिया है। नमक फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया है, नमक डाल दिया है, अजवाइन को हमें इस तरह से हाथों से क्रश करके डालना है जिससे अच्छा टेस्ट आए। और अभी हम इसमें मुट्ठी भर मोयन डालेंगे। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून जितना मोयन डाला है एक बार चेक कर लेंगे। मोयन अच्छा होना चाहिए, अगर मोयन कम होगा तो पूरी अच्छी नहीं बनेगी जो पकवान बनाएंगे। तो इस तरह से मुट्ठी भर मोयन चाहिए। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा मोयन डाल सकते हो। और अभी मैंने तेल का मोयन लिया है, आप चाहो तो घी का मोयन भी डाल सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें इसका सख्त आटा तैयार करना है। बहुत ढीला भी नहीं और बहुत कठिन भी नहीं। तो इस तरह से मैंने आटा तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो थोड़ा सख्त ही है। और इसको मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से मसल लूँगी जिससे आटा हमारा चिकना हो जाए। मोयन कम होगा तो पूरी कड़क बनेगी और ज़्यादा पड़ेगा तो पूरी टूट जाएगी। तो इस तरह से हमें आटा तैयार करके इसे ढक के छोड़ देना है। तो मैंने आटा भीगने के लिए छोड़ दिया था और 2 घंटे के बाद हमारी चना दाल भी भीग चुकी है। तो हम प्रेशर कुकर में ये दाल ले लेंगे, पानी के साथ ही लेंगे क्योंकि हमने ये साफ पानी ही लिया है। तो मैंने प्रेशर कुकर गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने ये चना दाल डाल दी है। तो अभी मैं इसमें और पानी डालूँगी, 1 ग्लास जितना मैंने पानी डाला है। और अभी मैं ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये मैं 2 व्हिसल लगा के दाल को अच्छे से पकने दूंगी। दाल के हमें एकदम मैश नहीं करनी है, दाने रहने चाहिए। तो 2 व्हिसल के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो हमें इसी तरह की रखनी है, 2 व्हिसल में ही अच्छे से पक जाएगी क्योंकि हमें इसे 2 घंटे के लिए हमने भिगो के रखा था। तो दाल में तड़का लगाने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री नहीं लेनी है। 1 टमाटर मैंने बारीक चॉप कर दिया है, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा तड़के में डालने के लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। तो बहुत ही कम सामग्री चाहिए हमें दाल को बनाने के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए बाद में हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को हमें अच्छे से चटकने देना है। साथ में मैं सूखी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ और बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ। इसमें हमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ टमाटर ही डालना है क्योंकि लास्ट में हम जो चटनी डालेंगे इसमें हम लहसुन की चटनी लेंगे और प्याज भी लेंगे बारीक कटी हुई। तो मैंने टमाटर के हिसाब से नमक डाल दिया है जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो मैं ढक के इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम इसमें मसाले कर देंगे। तो हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तो मसाले जल ना जाए इसलिए मैं 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल देती हूँ और फिर से मैं ढक के इसे 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ जिससे मसाले अच्छे से भून जाए। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसमें जो हमने दाल बॉईल करके रखी है वो डाल देंगे, चने की दाल। तो हमें इसी तरह की दाल रखनी है।
तो दाल मैंने डाल दी है और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अभी मैंने आधा ग्लास जितना और पानी डाला है, क्योंकि हमें दाल को अच्छे से पकने देना है मसालों के साथ, जिससे मसालों का टेस्ट अच्छे बैठ जाए। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दूंगी दाल के हिसाब से, तो मैंने नमक डाल दिया है। और अभी हम इसे ढक्कन ढक के स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है और बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। तो जब तक हमारी दाल पक रही है, तब तक हम पकवान के लिए पूरियां तैयार कर लेंगे। तो आटा मैं फिर से एक बार मसल लेती हूँ और अभी मैं इसकी इस तरह से लोई बना लूँगी। थोड़ी पतली ही बेलनी है हमें, क्योंकि फूलने नहीं देनी है। तो हम इस तरह से मीडियम रोटी से थोड़ा छोटा लोई बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी लोई बना के रेडी कर दी है, तो मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। तो मैं इस तरह से पतली पतली बेल लूँगी, एकदम पतली हमें बेलनी है, जिससे पूरी फूले नहीं। जो पकवान हमें बनाना है वो इसी तरह से मैदे से बनाया जाता है और एकदम पतला पतला बेला जाता है। तो आप देख सकते हो एकदम पतला बेला है, आपको मैं थिकनेस दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने पतली पूरी बेल दी है पकवान के लिए, इसी तरह से। साइड में से और सभी जगह से एक समान होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने पतली बेल दी है और पूरी फूले नहीं, पकवान फूले नहीं, इसलिए हम इस तरह से कांटे की सहायता से इसमें छेद कर देंगे, जिससे हमारा पकवान तलते समय फूले नहीं। तो दूसरी भी पूरी मैं आपको इसी तरह से बेल के दिखा देती हूँ। अच्छे से हमें बेलना है सभी साइड से, वरना जो साइड में थोड़ा मोटा रह जाएगा तो थोड़ा कच्चा रह जाएगा, और बीच में पतला रहेगा तो बीच में से जल जाएगा। तो अच्छी तरह से हमें सभी दिशा में बेलना है। इस तरह से मैंने दूसरी भी बेल ली है, इसको भी मैं इस तरह से फॉक की मदद से छेद कर दूंगी। तो इस तरह से मैं 4 से 5 मैंने बेल के तैयार कर दी है। बीच में हम एक बार दाल भी हम देख लेंगे। तो दाल अच्छे से उबल रही है, तो इसे मैं स्लो फ्लेम पे उबलने दूंगी। अभी 7 से 8 मिनट हुए थे, तो एक बार मैं फिर से ढक देती हूँ। और मैंने साइड में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, तो हम चेक कर लेंगे। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो हमने जो पकवान बेल के तैयार किए हैं वो तल देंगे। तो गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। पहले जब हम ये पकवान तलने के लिए रखे, तब गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हमें इस तरह से प्रेस करना है, फूलने के लिए नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट रहे इसलिए। ये हमें तलते समय खास ध्यान रखना है कि एक एक ही डालना है और एकदम सीधा रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो अच्छे से सीधा हम फ्राई कर लेंगे। और हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर के तलने हैं, क्रिस्पी होंगे तभी खाने में मज़ा आएगा। तो इस तरह से मैं प्रेस करते हुए तलती हूँ। और अभी मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है। अगर हम फास्ट गैस पे ही तलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अभी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के तल देती हूँ। तो ये अच्छे से तल के रेडी हो चुका है हमारा पकवान। तो मैं इसे निकाल देती हूँ और अभी मैं गैस की फ्लेम फुल कर दूंगी। जब हमें ये तलने के लिए रखे, तब गैस की फ्लेम फुल कर देनी है और इस तरह से हमें प्रेस करना है, जिससे पकवान फूले भी नहीं और स्ट्रेट भी रहे। तो इसी तरह से हमें थोड़ी टिप्स के साथ ये बनाना है। तो अभी मैं पलटा देती हूँ और गैस की फ्लेम स्लो कर देती हूँ। मोयन अच्छे से होना चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है और जब तक ये हमारा पकवान रेडी होता है, तब तक हम दाल को भी चेक कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं दाल को पकते हुए, तो टोटल 10 से 12 मिनट हुए हैं। तो अभी हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसको 2 या 3 मिनट ही पकने देंगे।
तो गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और अभी मैं ढक के इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और इस तरह से हम दोनों चीज़ें साथ में भी बना सकते हैं। तो ये दूसरा पकवान भी अच्छे से तल चुका है, अच्छा कलर आ चुका है, तो मैं बाकी के भी इसी तरह से तल देती हूँ। तो 3-4 मैंने तल के रख दिए हैं। तो 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं गरम मसाला पाउडर डालने के बाद। तो अभी हम इसमें एक बार मिक्स करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं लेकिन टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद हम गैस बंद कर लेंगे और ढक देंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अभी मैं ढक के इसे 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। बाद में हम इसे सर्व करेंगे। तो ये दाल हमारी गर्म ही है और हम सर्व करेंगे। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो मैं इसे एक बाउल में सर्व करती हूँ। गर्मा गर्म दाल और पकवान भी रेडी है। और अब अगर आपके पास अगले दिन टाइम हो तो आप पकवान बना के रख सकते हो। इसके ऊपर मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली है और ये मैंने लहसुन की चटनी बनाई है, जो नॉर्मली हम चटनी बनाते हैं लहसुन लाल मिर्च पाउडर और नमक वाली। तो ये मैंने लहसुन की चटनी डाली है थोड़ी, और ये मैंने ग्रीन चटनी डाली है, जो नॉर्मली हम बनाते हैं वही चटनी है। तो इस तरह से चटनी डालने से टेस्ट और बढ़ जाएगा। ऊपर से मैं थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और साथ में ये पकवान। तो ये हमारा दाल पकवान सर्व कर लिया है, खाने के लिए रेडी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।